सकते हैं। तो कोई बोले आपसे कि आप घर बैठे 2 लाख कमाए, आप बोलिए भैया आप अपनी माँ चुदाए। कितना भी वो बोले कि आप कमाएंगे ताबड़तोड़, आप बस उनको बोलिए भाग मादर चोद। तो भाई जो आपका भविष्य है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो जो अभी कॉलेज के बाद सोच रहे हैं कि 10-15-20-25 हजार की जॉब लगेगी, तो भाई नहीं लगेगी। भैया जी आप तो हेलो एवरीवन, कैसे सारे, होप करता हूँ कि सारे लोग ठीक है, अपना अपने घर में मौज ले रहे थे। जैसा कि आपने मेरे इंस्टाग्राम पर देखा होगा, मैं एक एक करके बहुत सारों को लपेट लेता, बट कई बार एक आधे को जैसा भी करके मैं टिकटॉक पर रोस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज मैं हम टिकटॉक पर रोस्ट नहीं करेंगे, आज हम सीधा वेस्टेज का रोस्ट करेंगे। आज मैं जिनका रोस्ट करने वाला वो कोई इंसान नहीं है, खुद बकरी चोद है। आज मैं जिन जानवरों के बारे में मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे क्या? गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। एक आदमी आया था, वो उचल रहा था, चूचे लोग 4000 खर्च करके वहाँ पे गए हैं, हम आज उनकी गांड मरेंगे। बोले तो आज उनको बोले तो आज रोस्ट करने वेस्टेज चलाने वाला पक्का मादर चोद बा। Hey, how come look at this? ने वाले अगर एक साल की बात करूं तो ये ऑडिटोरियम पूरा भरा होगा मेरे नाम से। क्या बात है, अबे हटा बोतल की बात। वैसे तो दोस्तों इन वेस्टेज वालों को ना आन का पता है ना गांड का पता है, ज्ञान चुपते हैं ब्रह्मांड का। वेस्टेज वाले का काम ऐसा है, इसकी टोपी उसके सर। वेस्टेज वालों को डिफाइन करने के लिए मैं सीधा एक बात बोलना चाहूँगा, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, पर सबसे शाने वाला तीतर जो जागे मन के भीतर। भैया जी आप तो जय महेश पते। वेस्टेज में साबुन घिसोगे इसके बाद एक फॉरेन ट्रिप निकलेगा। वेस्टेज में साबुन घिसोगे इसके बाद ऐसे गाड़ी निकलेगा। अजी लौड़ा, लौड़ा एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो नौकरी ले ले उसमें जाके, बताओ बे चुत कंपनी बना दी। हम घिसेंगे कोई और पैसा लेके जाएगा, लेकिन गाइस ये प्लेटफॉर्म, ये मार्केटिंग चेंज हो रहा है, इंडिया चेंज हो रहा है। आज के डेट पे हम घिसेंगे खुद के घर पे पैसा घुसेगा। भी वो गांजा चाहिए जिस ब्रांड का माल ये फूंकते। टिकटॉक की मार्केट क्यों जरूरी, स्पीड की मार्केट फूटता है। जो सारे एमएलएम कंपनी है दोस्तों, ये हम जैसे गरीब लोग को चूतिया बनाती है, सपने दिखाते है कि तुम हमारा साबुन खरीदो, हमारा प्रोडक्ट खरीदो, चेन जोड़ो और तुम करो अगले पल तुम करोड़पति बन जाओगे, 3 लोगों को जोड़ के। असल में ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों, ये हमारे गरीब लोगों का पैसा छीन लेती है दोस्तों। ये इनकी तरफ से कुछ नहीं हो सकता, ये हमको खाली डुबाते ही रहेंगे, इनको सुधारना पड़ेगा, ये इनके बस की कोई बात नहीं है। और ये जो है जो लोगों को सपने दिखाते हैं, पर दोस्तों सही में जो प्रॉफिट जिनको हो रहा है, वो जो पिरामिड के जो टॉप पे रहते हैं उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, जो नीचे वाले लोग हैं वो खाली डूबते जा रहे हैं, लॉस ही हो रहा है, उनका बचा कुचा पैसा भी जा रहा है वेस्टेज की वजह से। इन वेस्टेज वालों को अक्ल नहीं है कि मतलब वो खुद तो डूबेंगे पर दूसरे को डूब, गरीबों का पैसा लेकर डूब रहे साले मादर चोद। अकेला इनकी गांड मार रहा हूँ सालों की, साले मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे क्या? समझो अगर आपने वेस्टेज ज्वाइन कर भी लिया गलती से, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि जितना पैसा मैंने खर्च किया उतना पैसा मैं आप निकालना चाहोगे, इसलिए आप खुद तो डूबोगे पर दूसरे को भी ले डूबोगे। इसलिए मैं दोस्तों बोलना चाहता हूँ कि आप वेस्टेज वगैरह में मत ज्वाइन करो। मेरे बहुत से दोस्त करने वाले थे, पर मैंने उनको समझा दिया कि ये कोई फ्रॉड कंपनी है एमएलएम कंपनी करके, असल में नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। उससे अच्छा 2 वक्त काम करो, रोजी रोटी कमाओ, कोई पैसिव इनकम वगैरह नहीं होती क्या, और इन सब चीज़ों में मत पड़ो, क्योंकि लाइफ में कुछ शॉर्टकट नहीं रहता दोस्तों। बनने के लिए कुछ बड़ा बनना पड़ता है तो मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर आज टाटा अंबानी और इन सब ने अगर नेटवर्क मार्केटिंग की होती या फिर वेस्टेज में काम करते होते, आज उनकी क्या लाइफ होती, पर देखो आज वो करोड़ों में खेल रहे, क्योंकि उनको पता है कि इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। अपने को आगे बढ़ना है तो कोई बिजनेस करो अच्छा था, कोई जॉब वगैरह ढूंढो, ये वेस्टेज के चक्कर में मत पड़ो, इसको ज्वाइन करो उसको ज्वाइन करो। आप ही सोच के देखो, एक कंपनी है जिसको कोई आपके क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस उस कंपनी को बस आपकी तरफ से बस थोड़े बचे कुचे पैसे चाहिए,
वो भी ले लेगी वो कंपनी आपकी। अगर वो कोई अच्छी कंपनी होती तो लोगों की क्वालिफिकेशन दिखती कि आपकी क्या स्किल है, स्किल के हिसाब से आपकी जॉब रहती। और वेस्टी वालों को कोई लेना देना नहीं, उनको बस एक बंदा चाहिए जो अगले दो चूतियों को जोड़ सके और वो अगले दो चूतियाँ आगे के दो चूतियों को जोड़ सके। और कंपनी वालों को क्या है, उनको तो पैसा मिलता रहेगा, उनके प्रोडक्ट सेल होते रहेंगे, उन कंपनी वालों को यही चाहिए, इसलिए कंपनी वाले लोग जोड़ने के लिए ट्राई करते हैं। सोनू शर्मा की गांड मारना पड़ता अभी इस वीडियो में। सोनू शर्मा के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सोनू शर्मा को हर हफ्ते BMW मिल जाती है, उनको पता नहीं है कि सोनू शर्मा कोई मतलब ये नहीं है, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क था। वो पहले नाजीज कंपनी में थे, वो एक सेलिब्रिटी है सोनू शर्मा, एक इन्फ्लुएंसर है, इसकी वजह से उसको चालू करने पे। वो एक इन्फ्लुएंसर है, इसकी वजह से सोनू शर्मा को गाड़ियाँ वगैरह मिलती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। और जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं वेस्टीज में, जो एक स्ट्रगलर है जो अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। ये सोनू शर्मा को दिखा कि इन लोगों को मोटिवेट किया जाता है, पर असल में बात तो ऐसी रहती है उनको कुछ मिलने वाला रहता नहीं है। जब तक कि 3 साल बीत जाएंगे उसके बाद स्पीच करना छोड़ देते हैं। पर असल में क्या है कि ये सब फ्रॉड कंपनियां है, ये अपने को BMW के सपने दिखाती है, अपने को फॉरेन टूर के सपने दिखाती है, पर असल में ये कोई टूर वगैरह नहीं होता। और BMW के भी सपने कोई साकार नहीं होती। जो अपने को BMW के बारे में बताने के लिए आते हैं वो खुद स्प्लेंडर पे हवा मारते हुए आते हैं। उनके पास खुद की कोई कार नहीं होती, उनके पास खुद की कोई कार नहीं होती। ये खाली मोटिवेशनल टॉक्स करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको सैलरी मिलती है उसके लिए, वो सैलरी उठा कर जीते हैं और लोगों को चूतिया बनाते हैं। गांड मारो विस्टिज वाले, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है नैनीश और आज हम बात करने वाले विस्टिज के बारे में। ये मेरे फ्रेंड का चैनल है सुमित दुबे ब्लॉग्स करके। हमारा जो फ्रेंड है वो चाहता है कि मैं विस्टिज वालों को आज एक्सपोज करूँ, सो मैं उनका आज एक्सपोज करने वाला हूँ। सबसे पहले तो विस्टिज के बारे में जानकारी लेते हैं। विस्टिज एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो लोगों के वजह से चल रही है। मतलब विस्टिज के प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सेल होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग मतलब जो भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसके बीच में कोई भी रिटेलर नहीं रहता, इसलिए हम डायरेक्ट हमारी तरफ आती है, डायरेक्ट मतलब एजेंट के थ्रू हमारे तरफ डायरेक्ट आती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सो जो कंपनी है विस्टिज जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो लोगों को फ्रॉड बना रही है, असल में होता क्या है दोस्तों कि जो विस्टिज कंपनी है वो आपको बोलती है कि आप हमारे लिए कस्टमर मत ढूंढो, आप हमारी कंपनी का कोई प्रोडक्ट या साबुन खरीदो और उसके साथ आप हमारे इसमें काम कर सकते हो, मतलब जॉब कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो 0 इन्वेस्टमेंट पे। सब अपने को इतना ही करना पड़ता है कि जो हमारा रेगुलर का सामान है वो विस्टिज में से लेना पड़ता है। पर एक्चुअल में दोस्तों वो जो विस्टिज के प्रोडक्ट रहते हैं वो ओवर प्राइस रहते हैं, ना उनकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं रहती है और उनको यूजफुल प्रोडक्ट भी नहीं रहते और आसानी से कहीं मिलते भी नहीं है और आसानी से मतलब यूज के ही नहीं रहते एक्चुअल में। तो विस्टिज के प्रोडक्ट जो वो जो कंपनी जो विस्टिज कंपनी है जो बोलते ये सर्टिफाइड है वो सर्टिफाइड है, मतलब वो उनके सर्टिफिकेट्स तो सारे फेक है, मेरे को भी पता है। पर ये जो कंपनी है जिनके अंडर में 10 प्रोडक्ट्स रहते हैं, विस्टिज के अंडर में 10 कंपनियाँ आती है, ये कंपनी क्या करती है, वो दूसरी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। विस्टिज जो है वो प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है और कमीशन लेती है। तो विस्टिज वाले सबसे पहले आपसे मिलेंगे तो आपको क्या बोलेंगे, सवाल पूछेंगे आपको कि आपको लाइफ में क्या बनना है, आपको क्या अचीव करना है, कब तक माँ बाप के पैसे पे खड़े रहेंगे आप, कुछ करना है कि नहीं, ऐसे वगैरह आपको बोलेंगे। तो वो और फिर आपका ब्रेन वॉश कर देंगे कि आप विस्टिज ज्वाइन करो, आपको खाली साबुन लेना पड़ता, ये लेना पड़ता, वो लेना पड़ता, आपका खुद का 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आप ही सोच के देखो गाइज, आप ही सोच के देखो कि साबुन लेके कौन BMW खरीद सकता है, या फिर साबुन खरीद खरीद के कौन बड़ा बन सकता है लाइफ में, कोई है क्या जो साबुन खरीद के बड़ा हुआ है? जो बोलते हैं कि एक वेस्टिज वाला है वो बोल रहा था कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, मैंने बोला आपके टूथपेस्ट हमारे टूथपेस्ट में नमक है, वो मेरे को क्या बोला कि आपके क्या वो बोला मेरे को कि आपके टूथपेस्ट में जागवार है, मैं बोला मैं टूथपेस्ट जागवार नहीं, वो बोला कि हमारे टूथपेस्ट में जागवार है। मतलब ये बताना चाहता है कि वो टूथपेस्ट खरीद खरीद के उसने जागवार ले लिए, क्या हमको चूतिया समझता है? वो कंपनी जागवार उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रही है और वो हमको दिखा रहा है कि जागवार उसने विस्टिज का प्रोडक्ट यानी कि पेस्ट खरीद के ली है। एक्चुअल में ये लोग ऐसे हमको ब्रेन वॉश करते हैं, हमारे चूतिया काटते हैं और हमको चूतिया बनाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम भी एक दिन मेहनत करके इतने इनके जैसा बन जाएंगे, पैसे इनकम कमाएंगे, अपने को खाली 3 ही साल मेहनत करेंगी। वो बोलते हैं कि आप 3 साल विस्टिज में देखो और अगर आपकी लाइफ ना चेंज हुई तो मैं भी नाम बदल के रख दूंगा, ऐसे बोलते हैं। पर सच्चाई तो ये है दोस्तों कि विस्टिज की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हो चुके हैं, बहुत सारे लड़कों की लाइफ खराब हो चुकी है।
इधर हमारा एक दोस्त चाहे तो उसके बारे में क्या बात करना, मैं नाम नहीं लेता उसका, एक्स वाई जेड, वो अभी पिंच गया है मोटिवेशनल टॉक सुनने के लिए 5,000 खर्च करके, उसके ध्यान दो अभी उसके बारे में क्या बोलेंगे वो, अगर वीडियो देख रहा हो तो सॉरी भाई हाँ बताने के लिए, पर जो सच है वो तो बोलेंगे ही। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, पर ये जो MLM कंपनी होती है, आज वीडियो में कान फाड़ दे वेस्टेज वालों, आज हम वेस्टेज के बारे में पूरा बात करेंगे। सबसे पहले जो MLM कंपनी होती है वो किस बेस पे काम करती है? सबसे पहले MLM कंपनी में जो है वो पिरामिड बेस पे काम करती है। मतलब वो लोग बोलेंगे कि आप एक लोग को ज्वाइन करो, फिर वो लोग अगले तीन लोग को ज्वाइन करेंगे, फिर वो अगले तीन लोगों को ज्वाइन करेंगे, ऐसा कर करके एक नेटवर्क बनाना रहता है। मतलब ये जो MLM कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, पिरामिड बेस पे ही काम करती है। वैसे तो इंडिया में पिरामिड बैन है दोस्तों, पर जो ये जो MLM है ये पिरामिड के थ्रू कैसे अपना पिरामिड चला रही है MLM कंपनी।